रोते हो तुम? यीशु के सामने बैठ के रोते हुए क्या फायदा है? कई वर्षों पहला यीशु मर गया है। कहले भाई यीशु जी ना यीशु मर गया है, अभी बोल के क्या फायदा है? यीशु जी का फेमा वन होकर चम फायदा। अभी यीशु का सामने बैठ के रोते हुए क्या मिलेगा तुमको? अच्छा यीशु पंथों में सब दो जीव को चम फायदा। लेकिन रोते हुए आंसू बहाते हुए मेरी मम्मी बोलते हैं, बोले सब दो लिखी आज दो अनु अका जाएगा। बेटा यीशु आज भी जिंदा है। कुसा यीशु अन्य कपड़े जो वजन मत भले हम आंख से देख नहीं सकते लेकिन यीशु जिंदा है। बाइबल में वचन में लिखा है दो या तीन जन मेरे नाम पर कहीं भी इकट्ठा हो जाएगा उनका बीच में मैं उपस्थित रहेगा। बाइबल में मैं सच बोलना चाहता हूँ, यहाँ बीच में यीशु उपस्थित है। हमारा सारा दुख यीशु को मालूम है। हमारा सारा तकलीफ है यीशु को मालूम है। हमारा मन में अभी क्या गुजर रहा है यीशु को मालूम है। भले सारा दुनिया हमें छोड़ देगा लेकिन यीशु हमको नहीं छोड़ेगा। हमारा मन में हम कितना दुख है ये सब यीशु को मालूम है। और हम किस किस पाप किया है ये भी यीशु को मालूम है। मेरी मम्मी बोलते हैं, बेटा यीशु का सामने बैठ के रोने से यीशु दया करेगा हमारे ऊपर। यीशु हमारे ऊपर दया करेगा। और मम्मी ये भी बोलती थी हमारा आंसू प्रभु ने एक बोतल में जमा करेगा। ईसाया का ग्रंथ में वचन लिखा है तुम्हारे आंसुओं को मैं एक बोतल में जमा करेगा। बाइबल में जो बोतल माथा नहीं, इसलिए मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ अपने गरीबी के बारे में कभी डरना नहीं, अपने बीमारियों के बारे में कभी डरना नहीं। हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए कभी डरना नहीं। यीशु सब कुछ समय दे देगा। यीशु नो टाइम ऑफ आई मनुष्यों का सामने कभी रोना नहीं। खनक पंथो में उंगा जी तासब गो मनुष्यों का सामने कभी आंसू नहीं बहाना। खनक पंथो में उंगा जी मिक्वी तादन ताजन गो लेकिन यीशु का सामने बैठ के आंसू बहाने का। और यीशु पंथो में हाइन दोले मिक्वी अजन को यीशु का सामने हाथ फैलाने का। यीशु पंथो में चक चक दाको तुम कितना भी मनुष्यों का सामने रोने से उनका मन